हेलो गाइस, तो हम पढ़ते हैं आज डिटरमिनेंट का पार्ट टू। ठीक है बच्चों, यदि डिटरमिनेंट का आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो डिटरमिनेंट हो, यानी किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों। तो लेट्स मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ओके, यानी डी बराबर ए वन ए टू, सॉरी मान लेते हैं बी वन एंड ए टू एंड बी टू, ये जो है एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ठीक है, और इस डिटरमिनेंट का मुझे वैल्यू फाइंड करना। ओके बच्चों, तो इस डिटरमिनेंट को वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ओके, तो अगर हम ए वन में बी टू से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा ए वन इंटू बी टू माइनस, अब इसके बाद इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए टू इंटू बी वन, ये होता है एक डिटरमिनेंट का वैल्यू। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दे दिया था कि यह कैसे आता है। चलिए इस पे एक एग्जांपल करते हैं। ओके, तो लेट्स मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन दिया गया है कि डी बराबर टू फाइव सिक्स वन। ओके बच्चों, और मुझे इस डिटरमिनेंट का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेम प्रोसेस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों। तो गुना कीजिए, यानी जब वन से मल्टीप्लीकेशन करेंगे टू में तो हमें मिलेगा टू, एंड जब इससे इस मल्टीप्लीकेशन होगा तो छः पच क्या हो जाएगा, तीस हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस ट्वेंटी एट। ओके बच्चों, तो ये हो गया डिटरमिनेंट का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एक्सपेंडिंग करने के लिए किसी डिटरमिनेंट को। ठीक है, यानी किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड हम किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, तो बच्चों किसी भी डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करने के लिए सीख रहे हैं। ओके, तो लेट्स मान लेते हैं हमारे पास ये कोई थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री। ओके, और हमें इसे एक्सपेंड करना है। ओके बच्चों, तो एक्सपेंड जो है वे हम इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये सारे जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको लिख दीजिए। ओके, इससे पहले हमें एक और पॉइंट समझना है। ठीक है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं किसी डिटरमिनेंट में वे पॉजिटिव नंबर को शो करते हैं, और जो डायगोनल में नहीं होते हैं वे नेगेटिव को शो करते हैं। तो सब बच्चों यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपको जो डायगोनल एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वे सारे पॉजिटिव होंगे, और इसके अंतर्गत जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं वे नेगेटिव होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव को शो करेगा, ये पॉजिटिव को शो करेगा, ये पॉजिटिव को शो करेगा, ये भी पॉजिटिव शो करेगा, ये भी पॉजिटिव शो करेगा, ये पॉजिटिव शो करेगा। ओके बच्चों, और ये जो नंबर दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव शो करेगा, नेगेटिव शो करेगा, नेगेटिव शो करेगा, नेगेटिव शो करेगा। ओके, हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं सिंगल, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये सब वे पॉजिटिव नंबर को शो करते हैं, एंड इसके अंतर्गत जो नंबर है वे नेगेटिव नंबर को शो करते हैं। ओके, अब देखिए हमें इस नंबर को एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया ये ए वन है, तो आपको ए वन लिखना है, ये पॉजिटिव में है, साइन के साथ हमें यहाँ पर पुट करना है। ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पर ए वन लिख दिया। उसके बाद आपको इस प्रकार से लाइन पारना है, फिर यहाँ पर माइनस बी वन लिखा गया, माइनस बी वन लिख दिए। उसके बाद फिर आपको इस तरह से लाइन पारना है, उसके बाद हमें दिया गया है सी वन। ओके, इसके बाद हमें एक और लाइन पारना है। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है A1 के ये हॉरिजॉन्टल में जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको, एंड A1 के जो वर्टिकल में एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको आपको डिलीट कर देना है। ओके, तो मैं यहाँ से अगर ये नंबर और ये नंबर, ये नंबर एंड ये नंबर को डिलीट करता हूँ तो हमारे पास बचेगा B2 एंड C2 एंड B3 एंड C3। ओके, एंड उसके बाद B1 के लिए क्या करेंगे, इसके जो वर्टिकल में नंबर दिखाई दे रहे हैं एंड हॉरिजॉन्टल में नंबर दिखाई दे रहे हैं उसको हम डिलीट करेंगे। ओके, तो ये नंबर सारा डिलीट हो जाएगा और ये नंबर भी सारा डिलीट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, A2 एंड A3 C2 एंड C3। ओके बच्चों, उसके बाद थर्ड में क्या करेंगे, हम
C1 की ये C का जो भी वर्टिकल में जितने भी दिखाई दे रहे एलिमेंट वे सब डिलीट हो जाएंगे, एंड उसके ये जो हॉरिजॉन्टल में दिखाई दे रहा एलिमेंट वे सारे डिलीट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या बच्चों, ये डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा A2 इंटू A2 A3 B2 B3। ओके, अब बच्चों यहाँ से आपको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने आता है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, A1 इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो आप मुझे मिलेगा B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2 माइनस B1 इंटू इसको भी वैल्यू निकालिए C2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2। ओके, प्लस C1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2। ओके बच्चों, अब ये इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हम कुछ एग्जांपल का प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें ये सेशन जो है या तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। तो बच्चों लेट से मान लिया जाए कि हमें कोई डिटरमिनेंट दिया गया है। ओके, 1 2 3 2 4 1 2 0 1, ठीक है, ये हमें कोई डिटरमिनेंट दिया गया, इसका मुझे वैल्यू फाइंड करना। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ये जो ऊपर दिखाई दे रहे उसको साइन के साथ पुट कर दीजिए, सबको पता होगा कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी डायगोनल में जितने भी एलिमेंट होते हैं क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो बचता हुआ नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ऊपर वाला साइन के साथ हम पुट करते हैं, ठीक है, 1 माइनस 2 3, ठीक है, उसके बाद इस तरह से लाइन पार दीजिए आप। ओके, ये पॉजिटिव है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर अगर हम ये वाला लेते हैं, 1 को लेते हैं, तो 1 की जो हॉरिजॉन्टल में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उसको डिलीट कर दिया, और वर्टिकल में जितने एलिमेंट डिलीट कीजिए, तो हमारे पास ये एलिमेंट बचेगा, क्या बच रहा है, 4 1 0 1 बच रहा है। ओके, सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, ये जो 2 दिखाई दे रहा है उसके जो वर्टिकल में जितने एलिमेंट है उसको डिलीट करना है, एंड हॉरिजॉन्टल में जितने एलिमेंट है उसको डिलीट करना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस टू नहीं हो गया, यहाँ पर 2 ही पुट करेंगे, ओनली फॉर साइन के साथ ऊपर वाला वैल्यू पुट किया था। ओके, 2 एंड 1 1। ओके, अब यहाँ पर सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे बच्चों, ये वाला पूरा डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 2 4 0, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0 माइनस 2, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 8। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 माइनस, ये 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं मुझे, तो यहाँ पर 3 माइनस कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 17 18 हो जाएगा, 18 में 4 जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 14 माइनस में। ओके बच्चों, हमारे पास डिटरमिनेंट कितना आया, 14 आया, ठीक है। तो देखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट, सो बच्चों डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंट हम इस प्रकार से करते हैं, लेट्स मान लेते हैं कि ये डिटरमिनेंट है कोई, इसमें हमें एलिमेंट नहीं पता है कौन सा एलिमेंट, ओके, लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा, तो आपको पता होगा कि इसको बोलते हैं रो फर्स्ट, इसको बोलते हैं रो सेकेंड, एंड इसको बोलते हैं रो थर्ड, एंड इसको बोलते हैं कॉलम फर्स्ट, एंड इसको बोलते हैं कॉलम सेकेंड, इसको बोलते हैं कॉलम थर्ड। ओके, अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एलिमेंट है कोई। ओके, इससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट समझिए, लेट्स मान लेते हैं ये एलिमेंट है, यहाँ पर x एंड y लिखा गया है, तो सबसे पहले हम रो को लिखते हैं, ठीक है, x जो है रो को शो करता है,
और वाई जो है कॉलम को शो करता है, तो सेकंड में कॉलम क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट दिखाई दे रहा है वे कौन सा रो में है, फर्स्ट रो, ओके, यहाँ पर वन लिखाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये कौन सा कॉलम है, तो देखिए ये कौन सा कॉलम में है, फर्स्ट ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ओके बच्चों। फिर यहाँ पर ए एलिमेंट लिखते हैं, ओके। अब देखिए ये एलिमेंट जो है कौन सा कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पर मैं वन लिखूंगा, ओके। और ये कौन सा, सॉरी, ये कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में, तो मैंने फर्स्ट लिखा, ठीक है। ये कौन सा कॉलम में है, सेकेंड में, तो यहाँ पर मैं सेकेंड लिखूंगा, ओके। फिर यहाँ पर लेट्स मान लेते कोई एलिमेंट है, ये कौन सा रो को शो कर रहा है, फर्स्ट रो को शो कर रहा है, तो वन लिखूंगा। और ये कौन सा कॉलम को शो कर रहा है, थर्ड को शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, थ्री लिखूंगा, ओके। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई एलिमेंट लेते हैं ए। अब देखिए ये एलिमेंट जो है कौन सा रो को शो कर रहा है, सेकेंड रो को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे, ओके। कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ओके, ये फर्स्ट कॉलम है। अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट ये, ओके, ये कौन सा रो को शो कर रहा है बच्चों, सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और कौन सा, सॉरी, ये कौन सा कॉलम को शो कर रहा है, सेकेंड को, ये सेकेंड को शो कर रहा है, ओके। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये कोई एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है ये कौन सा रो को शो कर रहा है, सेकेंड रो को शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पर टू लिखूंगा, ओके। और ये कौन सा कॉलम को शो कर रहा है, थर्ड को शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पर थ्री लिखूंगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ए, ये कौन सा रो को शो कर रहा है, थर्ड को शो कर रहा है, तो थ्री। और कौन सा कॉलम को शो कर रहा है, फर्स्ट कॉलम को शो कर रहा है, तो वन, ओके। यहाँ पर देखिए ये थर्ड रो को शो कर रहा है, थ्री। कॉलम कौन सा हो गया, सेकेंड हो गया। सेम इसी प्रकार से ए, ये रो, थ्री एंड कॉलम क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो ये बच्चों होता है डिटर्मिनेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन, ओके। अब देखिए एक बात और मैं आप लोगों को बताए होंगे कि लेट्स मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो ये वैल्यू, इसके डायगोनल वैल्यू जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू यानी ये सब वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये सब वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो लेट्स मान लेते हैं यहाँ प्लस होगा, ठीक है, और यहाँ प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नॉन डबल एलिमेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, ओके। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ओके, कि अगर यहाँ पर इसके रो एंड कॉलम को ऐड करते हैं तो 1 + 1 क्या होता है, 2। और 2 जो है वे इवन नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। तो 2 इवन नंबर को शो कर रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, ओके। यहाँ पर ऐड कीजिए 1 + 2 = 3 होता है, 3 जो है ओड नंबर को शो करता है बच्चों, तो यहाँ पर नेगेटिव हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से 1 + 3 = 4, 4 इज क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। सेम प्रोसेस 2 + 1 = क्या होता है, 3 होता है, और 3 हमारा ओड नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, माइनस हुआ। तो इस प्रकार से चेक करने पर मुझे यह पता लग रहा है कि रो एंड कॉलम का एडिशन यदि इवन होता है तो वह एलिमेंट पॉजिटिव होंगे, एंड रो एंड कॉलम का एडिशन ओड होता है तो वह नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ओके। मैं इस पॉइंट को यहां पर लिख देता हूं नोट में, इफ एडिशन ऑफ रो एंड कॉलम इज इवन, हिज नंबर पॉजिटिव एंड इफ एडिशन ऑफ रो एंड कॉलम इज ओड, हिज नंबर इज नेगेटिव, ओके बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंड करने के डिटरमिनेंट को, ओके। तो सब बच्चों क्या करते हैं कि इसको, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। Expanding the determinant.
तो बच्चों लेट्स मान लेते हैं कि डी बराबर हमारे पास को ये दिया गया है डिटरमिनेंट, और मुझे इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो हम किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंडिंग जो है वे टोटल सिक्स तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। पहला, रो बाय रो में थ्री टाइप से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम बाय कॉलम में तीन तरीका से एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पारी पारी से, ठीक है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रो बाय रो एक्सपेंडिंग, रो बाय एक्सपेंडिंग, ठीक है बच्चों। जिसमें सबसे पहला यूज करते हैं यूजिंग द रो फर्स्ट, ठीक है। यानी फर्स्ट रो के एक्सपेंड कर, फर्स्ट रो के यूज करके हम एक्सपेंड करते हैं, ओके। तो ये बच्चों हमारे पास रो फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रो फर्स्ट में हमें कुछ जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो हमें दिखाई दे रहा है ए वन वन, उसके बाद आपको इस तरह से लाइन पार देना है, उसके बाद लिखना है आपको ये एलिमेंट ए वन टू, इसके बाद इस तरह से लाइन पारना है, फिर स्पेस छोड़ के, फिर लिखना आपको ए वन थ्री, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये रो ये कॉलम को ऐड कीजिए तो आपको पास मिल रहा है कौन सा नंबर, इन देन तो ये पॉजिटिव होगा, एंड इसको ऐड कीजिएगा तो ये मिल रहा है मिलेगा और तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ओके। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। अब देखिए हम सबसे पहले ए वन वन को पकड़िए, यहाँ पर ए वन वन के एलिमेंट को पकड़ते हैं। तो ए वन वन में जो जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ए वन के हॉरिजॉन्टल में जो जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं एंड वर्टिकल में जो जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको डिलीट कर दीजिए, ओके। तो ये दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, मैं ये सबको डिलीट कर दिया, तो हमारे पास ये नंबर बचे या तो ये एलिमेंट बचे, तो इसको आप लिख लीजिए। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर A12 के लिए क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल में जितने भी एलिमेंट डिलीट कर देना है एंड वर्टिकल में जितने एलिमेंट डिलीट कर देना है। तो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे ये और ये बचेगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए A21 एंड A23 एंड A31 एंड A33, ओके। अब देखिए थर्ड के लिए, ठीक है, A13 के लिए क्या करते हैं, तो A133 के लिए क्या करते हैं कि इसके जो हॉरिजॉन्टल में जितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको डिलीट कर देना है और वर्टिकल में एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको डिलीट कर देना है। तो हमारे पास बचेगा ये एलिमेंट A21 A22 एंड A31 एंड A32, ओके। अब यहाँ से सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको निकालने आता है, ओके बच्चों, तो निकाल दीजिए क्या होएगा मेरे पास A11 इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ओके। उसके बाद प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस, इसलिए माइनस रहेगा A12, उसके बाद इससे गुना कीजिए तो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, ओके। एंड इसके बाद A3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो A21 इंटू A32 इंटू माइनस A3 इंटू A22, ठीक है। ये हमारा पास इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने पर वैल्यू आएगा, ठीक है। सेकेंड देखते हैं यूजिंग द रो सेकेंड, ठीक है, यानी सेकेंड रो को यूज करके हम किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं।